अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। सर कैसे, उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज जी बन रही है टिक्की चाट एकदम मुंबई वाले स्टाइल में। चले जी इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। यहाँ पर है बॉयल्ड एंड मैश्ड आलू, इसको हल्का दरदरा बॉयल मैश करना है। इसके बाद यहाँ पर मैंने लिया है मैदा, ये है कॉर्नफ्लावर मैदा जो है वो 2 टेबल स्पून है, कॉर्नफ्लावर 4 टेबल स्पून है, सूजी है यहाँ पर 1 टेबल स्पून। यहाँ कुछ मसाले हैं, नमक है, काला नमक है, चाट मसाला है, एक चुटकी हींग है, ये है ज़ीरा पाउडर। फिर इसके बाद यहाँ पर मैंने रेड चिली पाउडर लिया है और रेड चिली फ्लेक्स लिया है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। रेड चिली फ्लेक्स 1 टेबल स्पून रहेगा, बाकी सब कुछ 1 टीस्पून रहेगा और नमक अपने हिसाब से डालना है। यहाँ पर ये मैंने आलू ले लिया है। आलू को एकदम बराबर मैश नहीं करना, आपको हल्का दरदरा थोड़े बहुत चंक्स रहने चाहिए। देखिए दिख रहे हैं इसमें हल्के बहुत मैंने जैसे छोटे छोटे चंक्स, एकदम बड़े बड़े भी नहीं रखने हैं हम लोगों ने। फिर इसके बाद इसमें हम लोग सारे हमारे जो क्रिस्पी करने वाले इंग्रेडिएंट्स हैं वो डालेंगे। ये सूजी है, सूजी 1 टेबल स्पून है, इसको ऐड करेंगे और एकदम हल्के हल्के हाथ से हर एक स्टेप के बाद मिक्स करना है, लेकिन बहुत हल्के हाथ से। फिर उसके बाद ये 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर एकदम हल्के हल्के हाथ से, देखिए खाली मैं उठा के रख रही हूँ, बस एकदम हल्के हल्के हाथ से मिक्स करना है, बिल्कुल भी मैश नहीं करना है। जो गुठलियाँ हैं, थोड़े चंक्स हैं, वो चंक्स रहने चाहिए, उससे जो क्रिस्पीनेस आएगी ना हमारी टिक्की में, उसकी अलग ही बात रहेगी। फिर यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून मैदा ऐड किया है। मैदा ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डालिए, नहीं तो कोई नहीं, कॉर्नफ्लावर काम कर देगा। देखिए कितने पोले पोले हाथों से जो है मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। फिर यहाँ पे सारे मसाले डालेंगे, हींग ज़रूर डालना, क्योंकि एक चुटकी हींग की कीमत हम सबको मालूम है, बहुत ज़्यादा जो है वो हमारी टिक्की को एक अलग लेवल पे लेके चली जाएगी, मस्त टेस्ट देगी। इसके बाद इसको हल्का सा ढक के हम लोग जो है मिक्स करने के बाद थोड़ी देर ढक के रख देंगे 10-15 मिनट। फिर ये जो है मैंने ये साइज़ की टिक्कियाँ बना ली हैं। अब इसके बाद हम लोग इसको फ्राई करेंगे, एकदम अच्छे गरम तेल में इसको ऐड करेंगे, फ्राई करेंगे। हम लोग को इसको रीफ्राई करना है, रीफ्राई करने का लेकिन इसका अलग तरीका है, आप वीडियो में देखेंगे। यहाँ देखिए कुछ देर के बाद मैंने इसमें करछी चलाई है। जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ, कोई भी चीज़ फ्राई करने के लिए हम लोग को थोड़ा देर रुकना है, फिर हम लोग को उसमें चम्मच चलाना है। यहाँ जी फर्स्ट बैच मेरा फ्राई होके रेडी हो गया है। अब इसके बाद इसको क्या करना है हम लोगों को, कोई भी फ्लैट सरफेस से थोड़ा ठंडा होने के बाद इसको बीच में से हम लोग को तोड़ देना है दबा के। जैसे मैंने भले ही कहीं से भी कोई भी शेप निकले, लेकिन हम लोग को अच्छे से दबा के इसको तोड़ना है। फिर इसके बाद ये देखिए मेरा हो गया। अब इसको मैं वही वापस से फ्राई करूँगी, डबल फ्राई करना है, बहुत क्रिस्प करारा होगा, बहुत मज़ा आएगा खाने के लिए। तो इसके लिए हम लोग को इसको डबल फ्राई करना है और अच्छे से तोड़ना है। कोई भी फ्लैट चीज़ से, मैंने ग्लास से तोड़ा है, आपको जो भी चीज़ समझे उससे कर लीजिए। और उसके बाद फ्राई करने के बाद हम लोगों को 10 से 15 मिनट जाता है ज़्यादा से ज़्यादा, और ये फ्राई हो चुके। देखिए कोई शेप नहीं है, जैसा टूटा वैसा। अब यहाँ पर हम लोग असेंबलिंग करेंगे। असेंबलिंग करने के लिए मैंने ये दही ली है, काला नमक है, हरी मिर्ची है, चाट मसाला है, और मेरी इमली की चटनी जो कि मैंने आप लोगों को बताई है वो है, और मैजिक मसाला, इसकी भी रेसिपी मेरे चैनल पे है, तो आप लोग ज़रूर देखिए। ये देखिए मैंने पहले दही डाला है, दही में अगर आपको चाहिए तो हल्की सी शक्कर डाल के फेंट लें। फिर उसके ऊपर हम लोग हरी चटनी डालेंगे, नॉर्मल धनिया पुदीना और मिर्ची वाली। फिर उसके ऊपर मैंने इमली की चटनी डाली है जो कि मेरी होममेड इमली की चटनी है। फिर उसके ऊपर हम लोग टिक्की डालेंगे, फिर से सब वही सब चीज़ प्रोसीजर रिपीट करेंगे, और उसके ऊपर काला नमक, चाट मसाला और मैजिक मसाला डालेंगे जो मैंने आपको बनाना सिखा दिया है। ज़रूर देखिएगा और ट्राई करिएगा, बहुत मज़े की बनती है। उसके बाद आपको जो चीज़ से डेकोरेट करना है, प्याज डालना है, थोड़ी सेव जो आती है वो डालना है, वो डाल सकते हो। आप इस पर आलू भुजिए वाली सेव भी डाल सकते हो, बहुत मस्त टेस्ट देगी। और अनार डालना है, जो भी चीज़ से आपको डेकोरेट करना है वो करिए और इन्जॉय करिए। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी आपको, रमज़ान के लिए बहुत अच्छी है। ज़रूर ट्राई कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे दुआ में खूब याद कीजिए, और जल्दी जल्दी से बनाइए, झटपट बनने वाली रेसिपी है। चले जी माशाल्लाह मेरी सर रेडी हो गई है, आपको मैंने बनाना भी सिखा दिया है। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।